जय हिंद साथियों, मैं विनोद माले आपका फिर से स्वागत करता हूं अपनी एक और नई कीवी वाली वीडियो में। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मेल और फीमेल फ्लावर्स में क्या अंतर है। दूसरा सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि जो इसकी परागण होता है, जो मेल और फीमेल का आपस में पॉलिनेशन होता है, वो हैंड पॉलिनेशन हम किस तरीके से करते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है दोस्तों, क्योंकि इसके बिना हम अच्छी फ्रूटिंग नहीं ले सकते और ये हर कीवी ग्रोवर को सीखना बहुत ही ज़रूरी है। मेरे सब्सक्राइबर ने भी ये सवाल पूछा था कि हैंड पॉलिनेशन कैसे किया जाता है, तो वो हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम अभी देख रहे हैं कि मेल और फीमेल फ्लावर्स में क्या डिफरेंस होता है और कैसे हम उनको पहचान सकते हैं। तो आइए नज़दीक से हम देखते हैं कि मेल और फीमेल। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों मेल, जैसे ये मेरा मेल है, तो मेल फ्लावर्स कैसे होते हैं। अगर आप देख पा रहे होंगे ये साथियों, ये मेल फ्लावर है और इसके देखे जो पॉलन्स हैं आपको बिल्कुल खड़े दिखाई दे रहे हैं। ये पूरे जितने भी पॉलन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे खड़े आपको बिल्कुल एकदम वर्टिकली दिखेंगे, मतलब खड़े रूप में दिखेंगे। और अगर इसी के बाद मैं आपको फीमेल फ्लावर दिखाता हूँ, आइए फीमेल प्लांट पे चलते हैं। अगर हम फीमेल की बात करें दोस्तों, तो देखो फीमेल में फ्लावर सेम है, लेकिन बीच में जो इसका जो ये देखो, ये थोड़ा सा इसमें आपको खुला हुआ महसूस होगा, जो वाइट वाइट सा, इसमें कोई पॉलन एंथर्स नहीं है जिसे हम एंथर्स बोलते हैं, और ये खुला हुआ भाग है, तो ये फीमेल है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों में डिफरेंस आपको पता चलेगा, उसके एंथर्स और उस इसके एंथर्स में थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस मिलेगा। तो ये है साथियों मेल और फीमेल प्लांट्स को पहचानना, फूल को पहचानना, इस तरीके से हम पहचान सकते हैं। रेशियो आपको पता है, एक अच्छे गार्डन में 1:9, मतलब 9 फीमेल पर एक मेल होना बहुत ही ज़रूरी है ताकि उसके पॉलिनेशन अच्छे से हो सके। बाकी अकॉर्डिंग आपके जो ऑर्चर्ड मैनेजमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कम और ज़्यादा कैसे करना है। तो अब कि हम इनमें पॉलिनेशन कैसे करते हैं, हैंड पॉलिनेशन कैसे करते हैं ख़ास तौर से, क्योंकि कुछ पॉलिनेट तो हमारे ये मधुमक्खी भंवरे वगैरह कर लेते हैं, लेकिन कीवी फ्लावर्स में नेक्टर की कमी होती है, तो उसमें हैंड पॉलिनेशन का बहुत ही बड़ा योगदान होता है, जिससे कि हमारे फ्रूट साइज अच्छा आए और जो हमें रिक्वायरमेंट है, जिस ग्रेड का फ्रूट की रिक्वायरमेंट है वो हमें मिल सके। तो चलिए देखते हैं। तो साथियों अभी हम फिर अपने मेल प्लांट्स पे आ गए हैं। अब इस मेल प्लांट से जितने भी पूरे खिले हुए फूल हैं, इसकी एक और चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसका टाइमिंग, सबसे बेस्ट टाइमिंग जो परागण का है, जो इसका पॉलिनेशन का है, वो 9 से सुबह के 9 बजे से और 11 बजे, क्योंकि फूल पूरे खिले रहते हैं और मेल और फीमेल फ्लावर दोनों ही अब पूरे खिले हुए होने चाहिए। तो इसको बड़े ही आराम से हम एक प्लेट ले लेंगे और उस प्लेट में तोड़ेंगे जितने भी मेल फ्लावर्स हैं जो पूरे खिले हुए हैं। देखिए बड़े आराम से हम इनको तोड़ते हैं और अपने ऐसे प्लेट्स में रखते रहते हैं। अगर आप इस फीमेल फ्लावर को देखेंगे साथियों, देखिए इसके जो ये बीच में है, ये एंथर्स जो है खाली ऐसे ही है, ये डमी है, इनका कोई यूज़ नहीं है। और ये मेल फ्लावर देखिए सारे, और ये एक फीमेल फ्लावर। अब इसको हम ऐसे करके साथियों ऐसे पकड़ेंगे और मैं आपको अपने फीमेल प्लांट्स पे ले चलता हूँ। तो ये साथियों मेल, और देखिए ये फीमेल है, इसको हम लोग ऐसे टच करेंगे ऐसे एक दो बार और ये पॉलिनेशन हो गया। फिर नेक्स्ट वाला ऐसे 4 से 5 बार अगर आप थोड़ा सा ऐसे इसको घुमा देंगे, एक फूल से लगभग 8 से 10 फ्लावर्स को हम पॉलिनेट करेंगे।
ये घुमा दे भोरा, ये सारी अच्छी मिलेंगी, बाकी कुछ नहीं। ये सही नहीं होगा, तो ये था साथियों कि मेल और फीमेल में क्या फ्लावर्स में कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कैसे अंतर दिखाई देता है, और सेकंड कि हम हैंड पॉलिनेशन कीवी में किस तरीके से करते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछिए, मैं ज़रूर उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू दोस्तों अंत तक मेरी वीडियो में बने रहने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।